हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि रेड बस में आप अपना रिफंड कैसे ले सकते हो अगर आपने टिकट कैंसिल किया हो या आपकी बुकिंग फ्रेंड्स जो बस की रहती है बस कैंसिल हो गई है, आपको रिफ़ंड लेना है या आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो इस कंडीशन में आप अपना रिफ़ंड कैसा ले सकते हो। तो इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, पूरा देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा हम अपना रिफ़ंड कैसे लेना है। बहुत इजी है फ्रेंड, रिफ़ंड लेना आपको 24 घंटे के अंदर आपका रिफ़ंड भी मिल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन होना है। यहाँ देखिए माय अकाउंट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए हेल्प के नीचे कॉल सपोर्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट ये कॉलिंग के पेज पे पहुँच जाते हो। ये नंबर पे आपको कॉल सपोर्ट पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप कॉल उनका नंबर मिल जाता है कस्टमर केयर का, कॉल सपोर्ट पे क्लिक करते साथ। और गाइस, वहाँ फ़ोन करके आपको बोलना है कि हमारा रिफ़ंड चाहिए, हमारी टिकट कैंसिल हुआ या आपका फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन फेल हुआ, तो वो भी आप बता सकते हो हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ, हमारा रिफंड चाहिए। तो कुछ डिटेल हुआ आपसे पूछते हैं, उसके बाद आपका जो भी है फ्रेंड्स सच लगता है उनको, हाँ आप सही बोल रहे हो, तो आपका रिफंड आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जहाँ से भी आपने पेमेंट किया ओरिजिनल पेमेंट मेथड में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपको यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं सोचना, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, सिर्फ कॉल करके बात करना है। बहुत इजी है फ्रेंड, और बाकी इसका इधर आपको कुछ नहीं करना है, कॉल करके आपको बात करना है, जो आपको बताया कॉल सपोर्ट पे क्लिक करना है रेड बस में माय अकाउंट में जाने के, और आपको कॉल करके सिर्फ बात करना है और बाकी आपको फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाता है जहाँ से भी आप पेमेंट करते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है। तो ये वीडियो में इतने, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।